तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दिलीप और आप देख रहे हैं अपना चैनल दिलीप भाई। तो बस आज हम बताएंगे आपको कि आप किस तरह से अपने वीडियो का इंट्रो बना सकते हैं। हालांकि स्टाइल में आप उसको इंट्रो भी एज ए इंट्रो भी यूज कर सकते हैं, एज ए आउट्रो भी यूज कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप उसको यूज कर सकते हैं, वो भी अलग स्टाइल में। सबसे हटके आपने जैसे अगर मेरे वीडियो पर देखा होगा कि आउट्रो किस तरह का लगा, बेसिकली मैं इंट्रो तो नहीं लगाता हूँ पर आउट्रो लगाता हूँ, तो उसको आप इंट्रो की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिर बताते हैं आपको किस तरह से आपको बनाना है, क्या इसमें कच करना पड़ेगा, तो सब कुछ में हम बताएंगे इस वीडियो में। शुरू से एंड तक वो आपको बताएंगे क्या कच क्या कि आप एक स्मार्टली और प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं अपने लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ना वो जैसे आप सब्सक्राइब पर बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा फर्ट, उसके बगल में आएगी बेल आइकन, तो उसको दबाना नहीं भूलेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल में आ गए हैं। फ्रेंड्स तो इंट्रो बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में काइन मास्टर को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स तो काइन मास्टर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप अपने काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए। एंड काइन मास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन होगा, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। बेसिकली जो मैंने पहले अपना इंट्रो बनाया था उसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, तो बैक चलते हैं और पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए बेसिकली ये हमारा इंट्रो है, इस तरह का कुछ हमने इंट्रो बनाया था। तो देखिए वो सबसे ऊपर आपको फायर देखने को मिलेगी, ये जो बेसिकली मेरी वीडियो में बैकग्राउंड में आती है, तो ये मेन है हमारा फायर। इसके नीचे हमने कुछ टेक्स्ट डाला है जो आप यहाँ पर देखते हैं, दिलीप भाई ये हमारा टेक्स्ट है। फिर उसके नीचे हमने एक फ़ोटो डाली है, ये वाली जो आप यहाँ पर देखते हैं ये फ़ोटो है, ठीक है। उसके नीचे हमने एक सब्सक्राइब लिंक जोड़ी है जो आपको यहाँ पर है, और उसके नीचे हमने कुछ म्यूजिक डाला है जो यहाँ पर है। अब देखिए फिर से एक बार आपको प्ले करके इसमें हम दिखा देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हम प्ले करते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने जैसे प्ले किया, यहाँ पर हमने थोड़ी आगे जगह छोड़ दी थी, अब देखिए प्ले करने पे कुछ इस तरह का ये चलता है। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल स्पेस्ट प्रोफेशनल टू लग रहा है, और लास्ट में जब ये आउट होता है तो कुछ अलग तरह का भी आउट देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये फायर चलेगी, धीरे फोटो और ये, तो ये एक प्रोफेशनल लुक होता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, सिंपल आपको प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मीडिया। मीडिया में जाने के बाद सबसे पहले आपको एक यूट्यूब से जाकर या कहीं से भी जाकर आपको एक फायर क्लिप डाउनलोड करनी है, जो बेसिकली वीडियो फायर क्लिप का भी विदाउट कॉपी राइट का। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से सिंपली आपको एक वीडियो को ढूंढना है वो फायर वाला। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जब जी बेसिकली PNG हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हैं जो बेसिकली विदाउट कॉपीराइट होते हैं, मतलब कि आपको वहाँ पर कॉपीराइटेड भी मिलते हैं, विदाउट कॉपीराइटेड भी मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक वीडियो सर्च कर लिया, ठीक है। बस यहाँ पर शायद मैंने भी वीडियो को हटा देता हूँ, अब मैं आपको पूरी प्रोसेस यहीं से बता देता हूँ, ठीक है। आपको जाना है सिंपली एक वीडियो की लेयर को डाउनलोड करना है। सबसे पहले फायर वाइल लेयर को डाउनलोड करना है। फायर वाइल लेयर जैसे कि मैंने समझ लिया ये मेरी फायर वाइल लेयर है, इसको मैंने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये मेरी मेन फायर वाली लेयर हो गई, ठीक है। इसमें मुझे वो फायर वाली लेयर साइड में डिलीट कर, इसके बाद मुझे एक फ़ोटो लानी है, जो फोटो मैंने फायर वाइल करंट में यूज कर रखी है उसी को फोटो मैं यहाँ पर लाऊंगा। देखिए पेकार्ड्स में मेरी फ़ोटो वो होगी, तो मैं यहाँ से फ़ोटो ले लेता हूँ। देखिए फिर यहाँ से सिंपली मैंने अपनी यही वाली फ़ोटो ले ली, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली फ़ोटो यहाँ पे हम एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटो लग गई मेरी, इसको मैं पूरी राउंड पूरी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फ्री करता हूँ। तो देखिए फिर अगर वो वीडियो क्लिप होती फायर वाली तो पीछे मेरे बैकग्राउंड में फायर चलने लगती है, फोटो चलती है। अब मुझे टेक्स्ट डालना है, तो सिंपली जाऊँगा मैं यहाँ से लेयर पर, लेयर पर जाने के बाद टेक्स्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगा दिलीप भाई। तो सिंपली यहाँ से मैं जो अपना टाइप नाम डाल देता हूँ, वॉइस नाम को मैं जैसे चाहूँ वैसे एडजस्ट करता हूँ, तो इसको मैंने सिंपली यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर देता हूँ उस तरह का नाम। और यहाँ से आप उसका फॉन्ट भी जैसे चाहे आप वैसे डाल सकते हैं, मैंने सिंपली इसको चूज कर लेता हूँ, तो इस तरह का ही मेरा नाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर इसके बाद आप यहाँ पर इस बगल में सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हैं, इसी तरह से सारी लिया लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, उसको आपको सबसे बेस्ट फॉर्मेट में, सबसे ज़्यादा फॉर्मेट में जो 1080p वाला फुल फॉर्मेट में, यानी कि अच्छे बेस्ट क्वालिटी HD फुल HD क्वालिटी में आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। और फ्रेंड्स आप म्यूजिक, इसमें म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं, वो म्यूजिक आपको सिंपली कहाँ से, वो आपको जो यूट्यूब की लाइब्रेरी होती है वहाँ से डाउनलोड करके डालना है, क्योंकि वो यूट्यूब के सेल्फ म्यूजिक है, तो उससे आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो फिर इस तरह से आप कुछ इंट्रो बना सकते हैं, और मतलब
ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा आपके व्यूअर को अच्छा भी लगता है, आपने मेरा इंटरव्यू देखा हो तो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव होता है। तो बस मैं नाच का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो आज को आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।